वेलकम वेलकम आर शाई ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम सिंगल चार्ज को बेटा किसी भी पॉइंट पर लेके आ रहे थे, अब हम किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं इन्फिनिटी से। तो देखिए, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस कंसीडर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इन्फिनिटी से किसी डाइपोल को लेके आते हैं और यहाँ प्लेस कर दिया, ये नेगेटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इसकी डाइपोल की डिस्टेंस है 2a, ठीक है। ये ए बी एक आपके पास डाइपोल है, जो कहाँ से लेके आए हम, इन्फिनिटी से इसको ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, क्लियर। और वी नो दैट कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और वो होगा एफ इजिकल टू क्यू ई, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका जो आपके पास फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू ई, क्लियर। अब यहाँ समझिए एक बात कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल को हम इन्फिनिटी से इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले एंटर कौन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंटर करेगा नेगेटिव क्यू चार्ज, क्लियर। नेगेटिव क्यू चार्ज जो वर्क डन करे, जो वर्क यहाँ पे जनरेट होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज से 2a डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, क्लियर भैया। पहले आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव क्यू चार्ज पहले आ जाएगा तो ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा, ये कम जनरेट करेगा, अरे क्लियर है ये बात। तो क्योंकि इन्फिनिटी से आएगा तो पहले एंटर कौन करेगा, डाइपोल का नेगेटिव क्यू चार्ज, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रहे ये आपका है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये है आपका डाइपोल, ये क्या है आपका डाइपोल, क्लियर। अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, सो वर्क डन W इज इक्वल टू नेगेटिव जो क्यू चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है, नेगेटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज इन टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है बेटा, डिस्टेंस ये कवर कर रहा है 2a कवर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना है बेटा नेगेटिव क्यू चार्ज पे, नेगेटिव क्यू ई, फोर्स नेगेटिव क्यू ई और डिस्टेंस इंटू 2a, ठीक है। तो आपके पास W इज इक्वल टू आ जाएगा, e को अलग कर देते हैं, नेगेटिव साइन, अच्छा नेगेटिव q इंटू 2a इंटू ई, क्लियर। तो यहाँ से q इंटू 2a, वी नो दैट P इज इक्वल टू था क्यू इंटू 2a, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू नेगेटिव पी ई। ये वर्क डन किसका है, नेगेटिव क्यू चार्ज का, ठीक है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर किया था हमने, क्या आया था पी ई साइन थीटा आया था ना, क्लियर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है उस पर कितना जो फोर्स लगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वर्क डन कितना जनरेट हुआ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको W1 ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज W1, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो वर्क डन है, एक्स्ट्रा वर्क पॉजिटिव क्यू चार्ज पे, तो वो आएगा आपके पास W2 इज इक्वल टू, जब इसको एक्स्ट्रा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इसको अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दे, ठीक है, किससे रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो जो आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज से जो वर्क डन जो जनरेट होगा, एक्स्ट्रा जो वर्क जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी आपके पास पी ई वन माइनस कॉस थीटा, या अपन ने
कहाँ कैलकुलेट की थी, ध्यान है क्या? जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने जब डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो वर्क डन आया था, ये ध्यान है क्या? ठीक है, हाँ जी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कैलकुलेट कर देते हैं। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करो, देखो टोटल वर्क आपके पास कितना आएगा, टोटल वर्क इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो आपके पास टोटल वर्क कैलकुलेट करके आ जाएगा। टोटल वर्क, ठीक है, सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है बेटा, W1 आपके पास है नेगेटिव PE एंड प्लस W2 है PE1 माइनस cos थीटा। सोल्व करेंगे इसको तो W इज इक्वल टू आपके पास नेगेटिव PE प्लस PE एंड माइनस PE cos थीटा, ठीक है, PE से PE कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू नेगेटिव PE cos थीटा। इसका मतलब जब इन्फिनिटी से किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे और उसको रोटेट करवाते हैं, तो रोटेशन से जो वर्क आपका टोटल वर्क आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू नेगेटिव PE cos थीटा, ठीक है। अच्छा पैरेलल केस लगा देते इसमें, केस देखो इसके, केस फर्स्ट अगर उसको हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे डाइपोल भी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको रोटेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा इज इक्वल टू जीरो। पैरेलल अगर उसको हम घुमाते हैं डाइपोल को तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन कितना होगा बेटा, W इज इक्वल टू नेगेटिव PE cos जीरो, ठीक है, और cos जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, W इज इक्वल टू PE cos जीरो इज वन, हेयर cos जीरो इज वन, सो वर्क डन कितना आ जाएगा, नेगेटिव PE, कब, जब पैरेलल आएगा, और हमारे पास W1 भी यही था, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल आएगा तो उसका जो वर्क डन है वो नेगेटिव PE होगा, कब, जब पैरेलल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल यहाँ पे प्लेस है, ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, ये टू ए डिस्टेंस, तो पैरेलल है, ये पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, तो पैरेलल के लिए ये आ गया, और परपेंडिकुलर रहे तो, परपेंडिकुलर तो केस सेकंड लगाए, परपेंडिकुलर के लिए देखो केस सेकंड, एफ थीटा इज 90 देन W इज इक्वल टू नेगेटिव PE cos 90, वी नो दैट cos 90 इज जीरो, देन W इज इक्वल टू जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 के एंगल, परपेंडिकुलर इस तरह से प्लेस होगा तो आपके पास जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। 180 रोटेट करेंगे तो 180 रोटेट करते हैं, देखो केस थर्ड लगाते हैं, केस थर्ड, एफ थीटा इज 180 देन वर्क W इज इक्वल टू नेगेटिव PE cos 180, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, cos 180 इज नेगेटिव 1, सो नेगेटिव 1 एंड नेगेटिव पॉजिटिव, सो वर्क डन इज W इज इक्वल टू PE नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो W इज इक्वल टू PE, क्लियर। इस तरह से हम जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। टॉपिक समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। जो वीडियो हैं हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।